नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुकेटिव यूट्यूब चैनल। सबसे बड़ी अपडेट आ चुके दोस्तों, बीए बीएससी बीकॉम एमएमएस से एमकॉम की परीक्षा ही 27 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। यानी कि एक और यूनिवर्सिटी ने अपडेट यहाँ पे जारी कर दी गई है। आज की सबसे बड़ी अपडेट बताने वाला हूँ, उसके साथ साथ बात करेंगे हम दो यूनिवर्सिटीज की और चर्चा करने वाले हैं कि उनकी एग्जाम कब से शुरू होने वाली है। आइए बात करते हैं जो महत्वपूर्ण अपडेट आई है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, स्नातक प्रथम वर्ष में फेल स्टूडेंट दे सकेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम। ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो स्टूडेंट स्नातक प्रथम वर्ष में फेल हो चुके हैं, पहले फेल हो चुके थे, अब वो दोबारा से फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दे सकते हैं। सेकावाटी विश्वविद्यालय पिछले साल स्नातक प्रथम वर्ष में जो विद्यार्थी फेल हुए थे, वो इस बार जनवरी में होने वाली फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि जनवरी में, तो लगभग आपकी 27 जनवरी के आसपास सेकावाटी यूनिवर्सिटीज की एग्जाम शुरू होने वाले हैं। फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने फिर से नामांकन करवाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालय के सहायक जो कुलपति है, कुल सचिव डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इस बार सेमेस्टर प्रणाली से परीक्षा हो रही है। पिछले साल जो विद्यार्थी स्नातक वर्ष में फेल हो गए थे, वे इस वर्ष पूर्व विद्यार्थियों के रूप में जनवरी में होने वाली फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में बिना नामांकन भाग ले सकेंगे, लेकिन उनको निर्धारित परीक्षा फॉर्म समय पर भरना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्नातक प्रथम वर्ष से संबंधित सभी पूर्व विद्यार्थी नई शिक्षा नीति के नियमों के तहत जारी किए पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय पद्धति से परीक्षा की तैयारी करें। इसके साथ ही विद्यार्थियों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वार्षिक पत्र में प्रथम वर्ष में भी किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। यानी कि जनवरी में ही आपकी प्रथम वर्ष की एग्जाम होने वाली है सेकावाटी यूनिवर्सिटीज। अब बात कर लेते हैं दो यूनिवर्सिटीज दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटीज की बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटीज की सेमेस्टर के एग्जाम वैसे तो 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, बट अभी तक टाइम टेबल जारी नहीं किया गया, तो इसमें डेट में बदलाव किया जाएगा। ठीक है, 11 तारीख को अभी टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है, इसलिए टाइम टेबल में बदलाव किया जाएगा और जल्द ही आपको एक नोटिस भी देखने के लिए मिलने वाला। वैसे राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम जनवरी में ही करवाई जाएंगी। बात करें एमएसबी यूनिवर्सिटी, यानी कि जो भरतपुर यूनिवर्सिटी है, उसमें एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। फीस 10% भी कम हुई है, बट पोर्टल में भी कम नहीं हो पाई है। और यहाँ पे एग्जाम की बात करें तो इसकी भी जनवरी में ही करवाई जाएगी। एमएसबीयू यानी कि भरतपुर यूनिवर्सिटीज की भी एग्जाम क्या होगी, जनवरी के लास्ट वीक में जाएगी, लास्ट वीक में, क्योंकि अभी एग्जाम फॉर्म ही क्या हो रहे हैं, पे अप्लाई हो रहे हैं। तो ये तीन यूनिवर्सिटीज की अपडेट है। बाकी यूनिवर्सिटीज की जैसे अपडेट आएगी तो आपको अपडेट किया जाएगा, और टाइम टेबल किसी भी यूनिवर्सिटीज का आता है सबसे पहले अपडेट आपको किया जाएगा। आप लोग लगातार बने रहे, सभी वीडियो देखा करें। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे अदर यूनिवर्सिटीज का नोटिस आएगा तब आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। धन्यवाद।